आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दृष्टि परास 75 सेंटीमीटर से अनंत तक है। वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सके, इसके लिए उसे किस शक्ति का कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन उसकी जो निकट बिंदु होती है अर्थात निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इस व्यक्ति का जो दृष्टि परास है, मतलब इसके लिए जो दूर बिंदु है वो कितना है, वो कितनी तक की वस्तुओं को देख पाता है, वह है 75 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को वो देख पा रहा है। ठीक है, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ तक बन पा रहा है, 75 सेंटीमीटर तक। अब बोला जा रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई पुस्तक को वो पढ़ सके, ठीक है, तो इसके लिए वह कितने शक्ति का लेंस प्रयुक्त करे चश्मे में ताकि वह स्पष्ट रूप से देख पाए। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक दोषयुक्त नेत्र है, ठीक है, जिसे क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है। अब यहाँ पे बात करें तो बोला जा रहा है कि इसकी जो दृष्टि परास है वो 75 सेंटीमीटर से अनंत तक है, मतलब 75 सेंटीमीटर से अनंत तक, तो उसके लिए जो दृष्टि वो कहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, 75 सेंटीमीटर की। ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी क्या है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक के जो प्रतिबिंब की वस्तु को वो देख पा रहा है, मतलब यहाँ तक का जो उसका प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से बन पा रहा है, कितने सेंटीमीटर तक, 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर कोई पुस्तक को हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ सके, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, कोई पुस्तक रखी है, तो ये जो नेत्र है, दोषयुक्त नेत्र, वह 25 सेंटीमीटर की पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए कितने शक्ति का लेंस प्रयुक्त हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से पढ़ पाए, इसके लिए क्या हो जाएगा कि इसका प्रतिबिंब जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, वो बन जाए 75 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 75 सेंटीमीटर पे अगर प्रतिबिंब बना दे तो यह स्पष्ट रूप से देख पाएगा ये दोषयुक्त नेत्र, क्योंकि इसके लिए जो दृष्टि परास है वो क्या, 75 सेंटीमीटर से अनंत तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई लेंस लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी देखें तो वो बाईं तरफ हम लोग ऋणात्मक लेते हैं और धनात्मक लेते हैं। ठीक है, दाईं तरफ, तो यहाँ पे हम चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, तो यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और V क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए -75 सेंटीमीटर पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बाईं तरफ है, तो यहाँ से हम F निकाल सकते हैं लेंस सूत्र से, तो 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस चश्मे की फोकस दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से 1 बटा V कितना हो जाएगा, -75 -1 बटा U कितना हो जाएगा, -25 बराबर 1 बटा F। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, -1 बटा 75 ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 बटा 25 बराबर 1 बटा F। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 75 -1 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया, 1 बटा F के बराबर। तो यहाँ से आ गया ये कितना, 2 बटा 75 बराबर 1 बटा F, तो F बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 75 बटा 2। ठीक है, सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75 बटा 200 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, मीटर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या आ रहा है, हमारा धनात्मक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, और इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता निकाल लेते हैं, P बराबर क्या होता है, 1 बटा F, और F क्या होता है यहाँ पे मीटर में, तो 1 बटा F कितना हो जाएगा, 75 बटा 200, तो क्या हो गया, 200 बटा 75। डिवाइड करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 2.67। ठीक है, प्लस 2.67 डायोप्टर का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, और किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो ये जो व्यक्ति है, अगर ये 2.67 डायोप्टर के उत्तल लेंस का प्रयोग करे, ठीक है, तो वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को पढ़ लेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।